हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं एजु कैरियर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करना चाहूँगा। मेरे प्यारे मित्रों, एक बार फिर से चीज़ें तेज़ी पकड़ रही हैं और एलटी ग्रेड के लिए जो एक नियमावली की अड़चन थी वो भी दूर हुई। एलटी ग्रेड काफ़ी दिन यानी 2018 के बाद से अभी एलटी ग्रेड नहीं आया था और साथ ही साथ बीच में एलटी ग्रेड पर अर्हता विवाद पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी जिसकी वजह से वैकेंसीज नहीं आ रही थी और अर्हता विवाद भी समाप्त हुआ और नियमावली में भी दिक्कतें थी जो कि इसको भी शासन स्तर पर सारी चीज़ें ठीक करके आगे भेज दिया गया है। नियमावली की अड़चन दूर, 7814 पदों पर भर्ती जल्द। उत्तर प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालय एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती पर नियमावली की अंतिम अड़चन भी दूर हो गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो आपत्तियां लगाई थी उसे दूर करते हुए शासन को भेज दिया गया। अब कैबिनेट से नियमावली को मंजूरी के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राजकीय विद्यालयों में रिक्त चल रहे सहायक अध्यापक के 7814 पद, प्रवक्ता के सैकड़ों पद पर भर्ती होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई नियमावली के कई बिंदुओं पर आपत्ति लगाते हुए लोक सेवा आयोग ने 8 अगस्त को वापस भेज दिया था। मुख्य रूप से विभिन्न डिग्रियों को लेकर तस्वीर साफ करने को कहा गया था। चयन के बाद कानूनी अड़चन न आए। सूत्रों के अनुसार उच्च शिक्षा के विशेषज्ञ सलाह लेते हुए आपत्तियों को दूर कर ली गई हैं। इसी के चलते सहायक अध्यापकों के प्रवक्ता पदों पर भर्ती हुई रुकी हुई थी। यानी प्रतियोगी छात्रों का कैंडल मार्च होगा आज, ये तो चलिए अलग बात है। एलटी ग्रेड के 7814 पद हैं खाली। राजकीय विद्यालय एलटी ग्रेड के 7814 पर पुरुष वर्ग 4771 और महिला वर्ग 3043। वहीं प्रवक्ता पुरुष पर 496 और महिला वर्ग सैकड़ों पद खाली हैं। इससे पहले आयोग राजकीय विद्यालय में 15 मार्च 2018 को 10778 एलटी ग्रेड वैकेंसी पर भर्ती शुरू की थी, लेकिन उसमें अर्हता को लेकर के कई विवाद सामने आए थे। इसके बाद 22 दिसंबर 2020 को प्रवक्ता के 1473 पदों पर चयन प्रक्रिया हुई थी। इसमें भी अर्हता संबंधी विसंगतियाँ सामने आई थी। तो ये आपके बेहतरीन सी चीज़ें और बेहतरीन बातें हैं जो कि अब आपको लगभग हिम्मत कस लेना है। इसके बाद एलटी ग्रेड प्रवक्ता के भरे जाएंगे 7814 पद। विद्यालयों के भर्ती के लिए नियमावली की बाधा दूर। कैबिनेट से नियमावली मंजूर होते ही शुरू होगी भर्ती। बस अब कैबिनेट से मंजूरी मिल जाए उसके बाद सारी चीज़ें सब समाप्त हो जाएंगी और तुरंत भर्ती रिलीज होगी। अब सीधी सी बात यही है कि आप सबको तैयारी कर लेना है और नोट्स अगर घर मंगवाना है हमारी तो 9838777571 पर आप कॉल या मैसेज करें व्हाट्सएप पर, आपको नोट्स आपके घर तक मिलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।